हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन. अच्छा जी, अपॉलोजीज लेट वीडियो का रिप्लाई देने के लिए, बट आई हैव अ फ्यू मोमेंट्स, सो आई थॉट कि मैं अभी वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, तो मैंने ये सिखाया लास्ट टाइम कि हम जब भी पोजेशन शो करते हैं तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एंड एवरीबॉडी नोज दैट दिस इज़ अहमद्स कार, तो अहमद के साथ अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा. एंड रिमेंबर दैट अपोस्ट्रोफी वाला जो कॉमा डालते हैं, इट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी ऑन द टॉप, उसको कभी भी नीचे नहीं डाला कॉमा की जगह, ठीक है, इट स्टेज ऑन टॉप. अच्छा जी, तो अब हमने एक और चीज़ सीखनी है जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शंस ये होते हैं कि हम फुल दो वर्ड्स या फ्रेज को शॉर्ट फॉर्म करके अपोस्ट्रोफी कभी कभी वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं कहूँगी ही इज़ कमिंग, ही के आगे अपोस्ट्रोफी एस, ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, इसका मतलब होगा शी इज़ कमिंग. और इसी तरह मैं कभी लिखना चाहूँगी इट इज़ रेनिंग, तो वो हो जाएगा इट्स रेनिंग, आई टी अपोस्ट्रोफी एस. तो इट एक वाहिद वो चीज़ है और योर्स, ये दो वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे इवन व्हेन यू आर शोइंग पोजेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इट पोजेशन में लिखेंगे अ कैट एंड इट्स टेल, दैट इज़ गोइंग टू बी विदाउट अ कॉमा. लेकिन जब भी हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग और उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स विद एन अपोस्ट्रोफी एस ऑन द टॉप. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ.